दोस्तों आज से करीब 6 महीने पहले मेवात के कुछ लोग एक लड़की को कर्नाटक से इंस्टाग्राम के थ्रू दोस्ती कर उसको बहका करके लेकर आए हैं और उसके बाद में उसका अपहरण कर उसे बंधक बना लिया गया है। इस तरीके का आरोप पीड़ित परिजन लगा रहे हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूं नूह में और नूह में वो लड़की बंधक बनाई हुई है। इस तरीके का आरोप है पीड़ित परिजनों का और लगातार पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है कि लड़की को बंधक जिन लोगों ने बनाया है उनके चंगुल से छुड़ाया जाए। खैर पूरा मामला क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि पीड़ित परिवार हमारे साथ है। जी क्या आपका नाम है, कहां से आप आए हैं और क्या मामला है? मेरा नाम मुजीब है, मैं कर्नाटक से आया हूं, कोडगु डिस्ट्रिक्ट से। हमारा मामला, हमारी लड़की को अगवा अपहरण किया हुआ है इंस्टाग्राम से दोस्ती करके। अच्छा, नूह जिले का कोई लड़का है? नूह जिले का लड़का है, मोहम्मद वासिफ उसका नाम है। उसने इंस्टाग्राम पे दोस्ती करी? इंस्टाग्राम से दोस्ती करी आपकी भांजी के साथ? हाँ, भांजी के साथ में। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर लेके आए, फिर इधर अपहरण करके लेके आ गए। अच्छा, वहाँ से लड़की, वहाँ से अपहरण करके इधर लेके आ गए। अपहरण कैसे करें, कितनी उम्र है लड़की की? लड़की की अभी है 16 साल। 16 साल नाबालिग लड़की है, 10वीं क्लास पढ़ रही थी। अच्छा, तो अभी लड़की से बातचीत हुई कुछ? लड़की से अभी तक कुछ बात नहीं हुई। लड़की को कर्नाटक से इंस्टाग्राम के थ्रू दोस्ती कर उसको बहका करके लेकर आए हैं और उसके बाद में उसका अपहरण कर उसे बंधक बना लिया गया है। और मेरे को भेजो वो के बोला था लड़की ने। अच्छा, तो लड़की को परेशान कर रहे हैं वो लोग? लड़की को बहुत परेशान कर रहे हैं। लड़की को ना फोन दे रहे हैं, ना बातचीत हो रही है, ना बाहर छोड़ रहे हैं, किधर भी नहीं है उसको, घूमने की भी नहीं छोड़ रहे, बंधक बना रखा है उसको। बंधक बनाया हुआ है, तो फिर ये बताएं कि लड़की तो भाग कर आई होगी ना, अपहरण कैसे हो गया? नहीं, लड़की तो स्कूल गई थी ना। हाँ। स्कूल से लापता हो गई। अच्छा, स्कूल से लापता? हाँ, हुई लापता था, एग्जाम लिखने गई थी, उधर से लापता हो गई है। तो हो सकता है उसने शादी कर ली हो? शादी तो उन्होंने पेपर दिखा रहे हैं, सिर्फ लड़की को नहीं दिखा रहे हैं ना, किसी बातचीत कर रहे हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, लड़की की शादी हो गई है, वो इधर है, सिर्फ पेपर का डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं और कुछ नहीं दिखा रहे, बातचीत नहीं हो रही है किसी से भी। तो आप बता रहे हैं कि लड़की नाबालिग है, तो कोर्ट मैरिज कैसे हो जाएगी? नो, कोर्ट मैरिज तो नहीं हुआ है, उन्होंने मुल्लों से निकाह करवाया हुआ है। अच्छा, निकाह करवाया है। तो अभी पुलिस प्रशासन से कोई बातचीत हुई हो? पुलिस प्रशासन से क्या आश्वासन मिल रहा है? पुलिस प्रशासन से कुछ हमको आश्वासन नहीं मिल रहा है, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो आप बताए थे कि लड़की के ऊपर मुकदमा दर्ज है? हाँ, लड़की के ऊपर पहले लॉकडाउन में वो आके ऐसे ही लेके गया था, हमको पता चलते हमने उसको लॉक करके पकड़ा दिया था। हाँ। बस उसका मुकदमा चल रहा था, 2 साल करीबन मुकदमा चला। हाँ। उसके बाद फिर वो ऐसे ही फिर उसको अपहरण कर लिया। हमारे साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज के लिए बात किया उन्होंने, हमने नहीं माने। अच्छा। उन्होंने फिर उसको लड़की को उठा अगवा कर लिया। अच्छा, ये बताएं कि लड़के का नाम क्या है, लड़के का बाप का नाम क्या है जो यहाँ पर है? लड़के का नाम मोहम्मद वासिफ है। हाँ। उसका बाप का नाम मोहम्मद आरिफ है। मोहम्मद आरिफ वो नूह में रहते हैं? नूह में रहते हैं। अच्छा, तो अभी आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? लड़की से हमको मुलाकात हो, अगर लड़की बहुत परेशान है, वो खुद ही आना चाहती है। हाँ। उसकी माँ से बहुत गुहार ला रही है, मैं अकेले आ जाती हूँ बोल रही है। अच्छा अच्छा, बताएं कि आप बताए थे कि मैं पुलिस वाले लेकर आया था, कर्नाटक की पुलिस यहाँ पर आई थी आपके साथ में, तो यहाँ पर पुलिस आई आपके साथ? हाँ, पुलिस आई, 2 दिन रुकी और कर्नाटक का पुलिस, उसके घर पे जाके देखा कोई नहीं मिला, वो पुलिस चले गई। इसे हमको कुछ लाभ नहीं हुआ इसमें से, मतलब कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं हुई, कोई मदद नहीं। चलिए देखिए, ये कर्नाटक का मामला है, कर्नाटक की एक लड़की के साथ में मेवात इलाके का एक लड़का पहले दोस्ती करता है इंस्टाग्राम पर और उसके बाद में उसकी बातचीत होती है, बातचीत यहां तक पहुंच जाती है कि मेवात इलाके का लड़का कर्नाटक पहुंचता है और लड़की को लेकर के नूह आ जाता है। वहीं अब जो लड़की के परिजन हैं वो परेशान हैं, हालांकि इनका मानना ये है कि लड़की नाबालिग है जिसकी उम्र अभी 16 से 17 साल की उम्र है, जिसको अभी बंधक बनाया हुआ है। पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच हो और लड़की को बंधकों के चंगुल से छुड़ाया जाए। बड़ी बात यह है कि जहां पर लड़की रह रही है वो लड़की नूह शहर थाने से महज 300 से 400 मीटर की दूरी पर है, हिंदू हाई के लिए जो रास्ता जा रहा है, वहीं उस लड़की को बंधक बनाने का आरोप पीड़ित परिजन लगा रहा है। खैर देखना ये होगा कि क्या पुलिस प्रशासन पीड़ितों की मदद कर पाती है या नहीं।